आज मैं आपको बैंगन से बनने वाली एकदम बढ़िया सब्जी दिखाऊंगा, जो आप जब भी बनाओगे बच्चे से लेके बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे, इतनी बढ़िया ये बनेगी। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल विराट नायक रेसिपीज में, और आज हम बनाएंगे मेथी और बैंगन की सब्जी। सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे 4 चम्मच तेल। यहाँ पे हमें तेल थोड़ा ज्यादा ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम बैंगन को सैलो फ्राई करेंगे। ये जो सब्जी है आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो, घी में भी बहुत ही बढ़िया लगती है। अभी हम इसमें मिला देंगे बैंगन। तो यहाँ पे मैंने 5 बैंगन लिए थे और उसकी स्लाइस कर ली है। बैंगन की जो स्लाइस है वो आपको थोड़ी मीडियम थिक रखनी है, यानी कि बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं रखनी, बहुत पतली भी नहीं रखनी है। यहाँ पे आप कोई भी बैंगन ले सकते हो, किसी भी वेरायटी ले सकते हो बैंगन की। अभी बैंगन की स्लाइस को हम बहुत ही अच्छे से इसमें पका लेंगे, इस पे बहुत ही अच्छे से कलर आ जाना चाहिए। ये देखिए बैंगन बहुत ही अच्छे से पक गए है और कलर भी बहुत ही अच्छे से आ गया है। तो अब इसको निकाल लेंगे। बैंगन को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और उसी तेल में जो बचा हुआ तेल है उसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून राई। राई चटकने लग जाए तब इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून जीरा। उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे 1/4 टीस्पून सौंफ। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 मीठी नीम के पत्ते। 1/4 टीस्पून हींग मिलानी है और उसके बाद इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च मिला देंगे। तो यहाँ पे सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़ के रख दिया था। अभी हम इसमें मिलाएंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसको बारीक काट लिया है। प्याज को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भूनेंगे, लेकिन यहाँ पे प्याज को हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा बादामी कलर होना चाहिए। ये जो सब्जी बनेगी वो थोड़ी ड्राई सब्जी तैयार होगी, लेकिन अगर आपको इसे ग्रेवी वाला करना है तो वो भी कैसे करना है मैं आपको आखिर में जरूर बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो प्याज का कलर हल्का सा बादामी हो गया है। अब हम इसमें टमाटर मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर ले लिया था जिसको काट लिया है, और टमाटर का जो बीच का हिस्सा है वो मैंने निकाल दिया है। थोड़ा सा नमक मिला देंगे, एक बार सब कुछ अच्छे से चला लेंगे। अभी हम इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच लहसुन की पेस्ट, और उसके बाद मिलाएंगे 1/2 चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। तो ये दोनों पेस्ट जब हमने तड़का लगाया तो उसी समय भी आप डाल सकते थे। अभी हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, उसके बाद मिलाएंगे 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर। अब हम इसमें सब्जी मसाला मिलाएंगे। तो ये जो सब्जी मसाला है वो आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हो, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की थी, तो आप वो रेसिपी जरूर देखना। अभी सब कुछ एक बार मिला लेंगे, और अब इसमें मिलाएंगे मेथी। यहाँ पे मैंने 2 कप मेथी ली है। अभी मेथी को भी हम बहुत अच्छे से पका लेंगे, मेथी को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये देखिए मेथी भी बहुत अच्छे से नरम हो गई है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन मिलाएंगे। ये स्टेज पे अजवाइन डालने से उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही में इसमें मिला देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना हरा धनिया मिलाएंगे। एक बार सब कुछ अच्छे से चला लेना है। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। ये स्टेज पे पानी थोड़ा ही डालना है, यानी कि 3 से 4 चम्मच ही पानी डालना है। अगर आपको ये सब्जी ग्रेवी वाली करनी है तो ये स्टेज पे आप 1/2 कप जितना दही डाल दीजिए। दही को बहुत अच्छे से फेंट लेना है और उसके बाद डाल देना है, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी। अभी हमने जो बैंगन को फ्राई किया था तो वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें नमक मिला देंगे। तो नमक हमने पहले भी डाला था, तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार डालेंगे, और साथ ही में 1/2 चम्मच जितनी चीनी डालेंगे। चीनी डालना टोटली ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पसंद आप स्किप भी कर सकते हो। अब ये जो सारा मसाला है उसको बैंगन के साथ हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद ये जो सारी सब्जी है उसको पैन में हम फैला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे फैला लेनी है। अभी स्लो फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। ऐसा करने से इसमें बहुत ही बढ़िया एक कलर भी आएगा और उसका स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक बार सब कुछ मिला लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी मेथी और बैंगन की सब्जी तैयार है। अभी सब्जी को हम परोस देंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया और एकदम लाजवाब सब्जी तैयार हुई है, मेथी और बैंगन की सब्जी। ये जो सब्जी है वो अचार और दही के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है, और साथ ही में आपको हरी मिर्च रखनी है, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो इसी प्रकार आप रेसिपी देखते रहिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको रेसिपी में कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और एक नई रेसिपी के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।